गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग द फाउंटेन पोयम में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, आपके बोर्ड की परीक्षा में आपकी जो पोयम्स हैं उनके स्टैंजा पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपका आता है कि इसका पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखिए या फिर चार लाइन किसी भी पोयम की जो आपके सिलेबस में उसकी लिखिए। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, उसकी आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। इसके लिए जो फर्स्ट स्टैंजा इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, वो है इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स अ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब जनरली फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि किस पोएम से लिया गया है और इसके पोएट कौन है। तो बच्चों, इसके जो है नाम को आप खूब अच्छी तरह से देख लीजिए। पोएम का नाम क्या है? द फाउंटेन, और पोएट का नाम है जेम्स रसेल लॉवेल। अब लिखना कैसा है? एक तो एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है, द नेम ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन, द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स रसेल लॉवेल। आप ऐसे भी लिखेंगी तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और यदि आप चाहती हैं कि क्वेश्चन में जिस लैंग्वेज में पूछा गया उस तरह लिखें, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो देखिए, इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइंस ऑफ पोइट्री हैव बीन टेकन। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? तो क्वेश्चन में से ही अगर हम लेते हैं, The title of this poem from which the above noted poetry have been taken is The Fountain. Or next question is, who is the poet of this poem? So the poet of this poem is James Russell Lowell. ठीक है बच्चों, next question है, point out the rhyming words in the stanza. इस rhyming word क्या होता है? ऐसे शब्द जिनकी sound last में सेम होती है, मतलब उनकी स्पेलिंग अलग होगी, वर्ड वो अलग होंगे लेकिन उनकी साउंड सेम होगी। जैसे इन फोर लाइंस में, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो में स्नो और ब्लो की साउंड सेम है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा आर स्नो एंड ब्लो। कभी कभी चार लाइन की जगह आठ लाइन दे देते हैं, छह लाइन दे देते हैं, तो उसमें हो सकता है दो से अधिक वर्ड भी राइम करें। तो आपको देखना क्या है कि कौन से वर्ड की जो है साउंड लास्ट में मैच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट? वेविंग शब्द से किस तरह के मूवमेंट के बारे में कवि बताना चाह रहे हैं? तो वेविंग माने, जनरली हम लोग जब किसी को टाटा वैवे करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, वेव करते हैं हाथ को, तो वेविंग का मतलब होता है हिलाना। अब यहाँ पर किस तरह का है तो वो देखिए, द वर्ड वेविंग सजेस्ट एन ऑल्टरनेट मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन विद द ब्लोइंग विंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वेविंग शब्द से अलग अलग दिशाओं में, डिफरेंट दिशाओं में बारी बारी से हिलने को, विद द ब्लोइंग विंड, हवा जिस दिशा में चल रही थी, फाउंटेन का जो पानी था उसी दिशा में मूवमेंट कर रहा था। तो यहाँ वेविंग से क्या सजेस्ट कर रहा है? द वर्ड वेविंग सजेस्ट एन ऑल्टरनेट मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन विद द ब्लोइंग विंड्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट? चांदनी रात में, चांदनी में क्या है? मूनलाइट माने चांदनी में फाउंटेन का कलर, रंग क्या है? तो इसमें आपके दिया हुआ है ना, वाइटर देन स्नो। वाइटर माने और अधिक सफेद, देन स्नो माने बर्फ से भी ज्यादा। तो आंसर क्या होगा? द कलर ऑफ फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। The color of the fountain is whiter
than snow in the moonlight. Next, what happens to the fountain when the winds blow? What happens to the fountain? क्या होता है फाउंटेन को जब हवा चलती है? When the winds blow, जब हवा चलती है, ठीक है ना? When the winds blow, क्वेश्चन में है. When the winds blow, आपने क्वेश्चन से लिया इसको. When the winds blow, the fountain क्या करता है? Waves moves from side to side, इधर उधर, अगल बगल. Like a flower, जब हवा चलती है तो फाउंटेन हिलता है. कैसे? Like a flower, फूलों की तरह. ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हुआ. अब आपका सेकंड स्टैंजा, एवर इन मोशन डैश डैश डैस अवेरी. मैं पूरा इसको जो है पढ़ देती हूँ. एवर इन मोशन ब्लिट्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड नेवर अवेरी. एवर इन मोशन माने हमेशा गतिशील रहता है, ब्लिट्सम हैप्पी रहता है, चेरी चेयरफुल खुश रहता है. स्टिल, स्टिल शब्द के कई अर्थ होते हैं. स्टिल माने तथापि, स्टिल माने खामोश, इसमें लगातार. क्लाइंबिंग माने ऊपर की ओर चढ़ना, हेवन बर्ड माने ऊपर की ओर. क्लाइंबिंग माने चढ़ना, हेवन बर्ड माने ऊपर की ओर चढ़ता है. नेवर अवेयरिंग, और कभी भी थकता नहीं है. अब इसके क्वेश्चंस करते हैं बच्चों. अब पहला और दूसरा क्वेश्चन तो कॉमन है, मैंने बता दिया आपको कि किस पोएम से लिया गया है और इसके पोएट कौन है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ईच ऑफ द अबव फोर लाइंस डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, मेंशन देम. इन चार पंक्तियों में, हर पंक्ति में फाउंटेन की एक विशेष विशेषता को बताया गया है, आप उन्हें बताइए. तो पहली लाइन क्या थी? एवर इन मोशन. एवर इन मोशन का मतलब क्या हुआ? लगातार मूवमेंट करता रहता है, हमेशा गतिशील रहता है. दूसरी लाइन है ब्लिट्सम एंड चेरी. ब्लिट्सम एंड चेरी का मतलब हमेशा खुश रहता है, यानी हैप्पीनेस एंड चेयरफुलनेस. फिर स्टिल क्लाइंबिंग अपवर्ड, फिर अपवर्ड मूवमेंट, इसको लगातार ये ऊपर की ओर जाता है. एंड नेवर अवेरी मतलब थकता नहीं, तो टायर्डलेसनेस. तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? कंटिन्यूस मूवमेंट कॉमा हैप्पीनेस कॉमा हैप्पीनेस एंड चेयरफुलनेस कॉमा अपवर्ड मूवमेंट एंड टायर्डलेसनेस. टायर्डनेस ना लिख देना बच्चों, टायर्डलेसनेस मतलब थकान रहित. आर द पर्टिकुलर क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन विच आर मेंशनड इन अवर फोर लाइन्स. क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल? स्टिल शब्द का क्या अर्थ है? तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल इज क्वाइट, शांत भी होता है, कॉन्स्टेंट लगातार, और यट फिर भी या तथापि. कि इतना हमेशा लगातार चलता भी रहता है, फिर भी कभी नहीं थकता. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा. राइमिंग वर्ड्स इसमें कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं. तो अब फिर से एक बार आप स्टैंजा देखिए. एवर इन मोशन ब्लिट्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड नेवर अवेयरी. तो जो इसमें पहली लाइन है मोशन, तो मोशन से सेकंड थर्ड फोर्थ कोई लाइन नहीं मैच कर रही है. चेरी, चेरी से थर्ड नहीं मैच कर रही लेकिन फोर्थ कर रही है. और थर्ड लाइन हेवन बर्ड, इससे कोई लाइन नहीं मैच कर रही. तो आपके जो है राइमिंग वर्ड्स क्या हो गए? चेरी और अवेयरी, इनकी साउंड लास्ट में मैच कर रही है. तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? चेरी राइम्स विथ अवेयरी इन द अबव स्टैंजा. इसको इस तरीके से भी लिख सकती हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकती थी. चेरी एंड अवेयरी आर राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा. ठीक है बच्चों, अब इसका अगला क्वेश्चन तो आपका वही रहेगा कि आप इसका पोएट का नाम और पोएम का नाम लिखिए. तो ये आपका कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट स्टैंजा है, फुल ऑफ ए नेचर डैश 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 एवर द सेम. तो पहले हम लोग पोएम देख लेते हैं.
full of a nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same. Full of a nature माने natural fountain क्या है? Natural है, यानी एक natural energy से भरा हुआ है. Nothing can tame, इसको कोई control नहीं कर सकता क्योंकि ये man-made नहीं है, ये प्राकृतिक फवारा है. इसको हम अपने वश में नहीं कर सकते हैं. Changed every moment, ये हर क्षण बदलता है. हर क्षण बदलता कैसे है? क्योंकि इसका पानी लगातार ऊपर भी जाता है और नीचे भी गिरता है. एवर द सेम, फिर भी ये एक जैसा लगता है. क्यों? क्योंकि इसका जो मूवमेंट है इतना फास्ट है और नॉन स्टॉप है, जिसके कारण ये बदलते हुए रहते हुए भी हमेशा एक जैसा लगता है. ऐसा नहीं होता कि पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर नीचे आया. नहीं, पानी ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे हैं. इसलिए ये बदलते रहते हुए भी हमेशा एक जैसा लगता है. अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन. कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु फाउंटेन को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती, पालतू नहीं बना सकती, इसे मतलब उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती. बच्चों, जैसे जंगली जानवरों को हम लोग टेम करते हैं, पालतू बना लेते हैं, यानी उनको अपने कंट्रोल में करते हैं, उन्हें अपने तरह से सिखाते हैं. तो यहाँ पे टेम का मतलब है टू कंट्रोल करना. तो नथिंग कैन टेम, कोई भी नहीं उसे कंट्रोल कर सकता. किसको? द फाउंटेन को. बिकॉज द फाउंटेन इज फुल ऑफ नेचुरल एनर्जी, क्योंकि फाउंटेन प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर है, भरा हुआ है. इतनी अधिक उसमें प्राकृतिक ऊर्जा है कि हम उसे वश में नहीं कर सकते. जो आर्टिफिशियल फाउंटेन होते हैं बच्चों, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनको तो हम स्विच ऑफ करके रोक सकते हैं. लेकिन जो प्राकृतिक फाउंटेन है, जो प्रकृति की देन है, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं. उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार रोक नहीं सकते हैं, उन्हें हम वश में नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ फाउंटेन रिमेन एवर द सेम. कैसे फवारा हमेशा एक जैसा रहता है, मतलब बदलता भी रहता है फिर भी एक जैसे कैसे रहता है. तो द फाउंटेन रिमेन्स एवर द सेम, फवारा एक जैसा हमेशा रहता है. बाई इट्स कॉन्स्टेंट मूवमेंट, अपने लगातार गतिशीलता के कारण, गति के कारण. द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ऑफ द फाउंटेन हैपेंस साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूसली. फाउंटेन के जो जल है वो ऊपर की ओर उठता भी है और गिरता भी है, लेकिन ये काम साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ चलता रहता है और लगातार चलता रहता है. तो जब दोनों चीज साथ साथ चलता है, एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा होता तो बदल जाता, लेकिन दोनों काम साथ साथ होते हैं और लगातार होते हैं, इसलिए ये हमेशा एक जैसा लगता है. फिर से देख लो, द फाउंटेन रिमेन्स एवर द सेम बाय इट्स कॉन्स्टेंट मूवमेंट, लगातार. एंड द राइज एंड फॉल, राइज माने उठना, फॉल माने गिरना, ऑफ द वॉटर ऑफ द फाउंटेन, फाउंटेन के पानी का, जल का ऊपर उठना और गिरना हैपन्स, होता है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ और कंटिन्यूसली, लगातार. नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द पेयर्स ऑफ द वर्ड्स विच राइम टुगेदर इन द स्टैंजा. उन शब्दों के जोड़े को बताइए जो आपस में राइम कर रहे हैं इस स्टैंजा में. तो एक बार फिर से हम लोग जो है स्टैंजा देख लेते हैं. फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम. अब इसमें देखिए, फर्स्ट लाइन नेचर किसी से मैच कर रही है? नहीं कर रही है. टेम, सेकंड लाइन में टेम जो है वो फोर्थ लाइन के सेम से मैच कर रहा है, और मोमेंट किसी से नहीं मैच कर रहा है. तो हम राइमिंग वर्ड इसमें कौन कौन से देखते हैं? टेम और सेम. तो आंसर किस तरह से लिखेंगे हम? ये पॉइंट आउट द पेयर्स ऑफ द वर्ड्स विच राइम टुगेदर इन द स्टैंजा.
tame and same are the pair of words which rhyme together in the stanza. Tame and same are the pair of words which rhyme together in the stanza. Clear है? अब इसके बाद आता है आपका next stanza. Ceaseless aspiring dash 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 thy element. फिर से हम लोग एक बार stanza देखते हैं. Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. Ceaseless का मतलब होता है without stop, लगातार बिना रुके. Aspiring माने to go higher and higher. Fountain लगातार बिना रुके ऊपर उठता रहता है. Ceaseless content. और ये लगातार संतुष्ट भी रहता है, मतलब ऊपर भी उठता है, इसकी इच्छा होती कि मैं और ऊपर जाऊं और साथ ही जो है उससे संतुष्ट भी रहता है. डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट. अंधेरा हो या रोशनी हो, ये आपके मूल तत्व हैं. यानी अंधेरा हो रोशनी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर स्थिति में हमेशा काम करते रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं. यानी यही चीज हम लोगों को भी लाइफ में करना चाहिए कि जीवन में सुख हो दुख हो हमें अपना प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए और जो कुछ हमें मिला है उससे संतुष्ट भी रहना चाहिए. तो आप बच्चों देखते हैं इस स्टैंजा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं. सीजलेस एस्पायरिंग डैश 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 द एलिमेंट. व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन. फाउंटेन के तत्व क्या हैं? तो कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट एंड सेटिस्फैक्शन आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन. लगातार ऊपर की ओर उठते जाना और संतुष्ट रहना, ये फाउंटेन के मूल तत्व हैं. इनके मेन चीज़ें हैं कि ऊपर की ओर उठने की इच्छा भी रखना, महत्वाकांक्षा भी रखना और जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना, ये इसका मूल तत्व है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा. इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स क्या हैं? तो कंटेंट एंड एलिमेंट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा. यानी जो कंटेंट है उसकी साउंड और एलिमेंट की साउंड मैच कर रही है, तो कंटेंट एंड एलिमेंट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा. आप पोएम में भी देख सकती हैं एक बार. एस्पायरिंग किसी से मैच नहीं कर रहा है, कंटेंट एलिमेंट से मैच कर रहा है और सनशाइन भी किसी से मैच नहीं कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका What lesson does the poet want to give us in the above stanza? इस stanza के माध्यम से कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? The poet wants to teach us that we should always aspire to go higher and higher, yet feel satisfied with what we have. कवि चाहता है कि हम भी किसकी तरह, फाउंटेन की तरह हमेशा और ऊंचा, अपना लक्ष्य ऊंचा से ऊंचा रखते रहें. यानी हमारा जो लक्ष्य है वो हमेशा ऊपर की ओर उठना होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ भी हमें प्राप्त है उससे हमें संतुष्ट भी रहना चाहिए. इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हमें अकर्मण्य नहीं होना चाहिए कि जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट होकर काम करना छोड़ दें. नहीं, कर्म भी करते रहना चाहिए और जो कुछ प्राप्त है उस पर संतुष्ट भी रहना चाहिए. थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है लेकिन बहुत सही है, क्योंकि यदि हम अपना प्रयास करना आगे छोड़ देंगे तो वो भी गलत है और जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे. तो जो प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट रहें और साथ ही साथ हम हमेशा और अधिक ऊपर उठने की कोशिश. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टैंजा है ग्लोरियस फाउंटेन डैश 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 लाइक दी. तो पहले हम फाउंटेन को आपको दिखाते हैं. ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी. लास्ट स्टैंजा पोएम का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है. ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस माने शानदार फव्वारे,
लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बनने दो कैसा फ्रेश, ताजा, तरोताजा। चेंजफुल, परिवर्तनशील। कॉन्स्टेंट, निरंतर कार्यशील। अपवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर जाने की इच्छा रखने वाला। लाइक दी, दी माने तुम्हारी तरह, दी माने यू, तुम्हारी तरह। तो ऐ शानदार फवारे, हमेशा मेरे हृदय को अपनी तरह तरोताजा, परिवर्तनशील, लगातार क्रियाशील और ऊपर की ओर उठने वाला बना दो। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द फाउंटेन बीन एड्रेस एज ग्लोरियस। फाउंटेन को ग्लोरियस सॉरी बच्चों, फाउंटेन को ग्लोरियस कहकर, शानदार कहकर क्यों संबोधित, एड्रेस में संबोधित किया गया है। तो द फाउंटेन हैज बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस बिकॉज इट लुक्स ग्रैंड एंड मैग्निफिसेंट, क्योंकि ये हमेशा बड़ा शानदार देखने में लगता है, इसलिए इसको शानदार कह के पुकारा गया है। नेक्स्ट है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। फाउंटेन के किन गुणों को कवि पाना चाहता है, अपनाना चाहता है। तो द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन। कवि चाहता है कि वो भी हमेशा फ्रेश फील करे, मतलब ऊर्जा से भरपूर। फ्रेश का मतलब क्या, ऊर्जा से भरपूर, शक्ति से भरपूर। चेंजफुल, परिवर्तनशील, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता वाला। कॉन्स्टेंट, लगातार क्रियाशील। एंड अपवर्ड, हमेशा ऊंचे लक्ष्यों वाला, हमेशा ऊपर की ओर उठने वाला। लाइक द फाउंटेन, फाउंटेन की तरह। फिर है लास्ट, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। इस स्टैंजा में आए हुए राइमिंग वर्ड्स को बताइए। तो बी एंड दी आर द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। बी और दी दोनों की साउंड सेम है। आर द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। एक बार बच्चों फिर से स्टैंजा मैं आपको दिखाती हूँ। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। फाउंटेन इससे कोई मैच नहीं कर रहा है। बी, बी सेकेंड लाइन का फोर्थ लाइन की दी से मैच कर रहा है और कॉन्स्टेंट नहीं मैच कर रहा है। यानी आपने ये देखा कि इस पूरी पोएम में आठ स्टैंजा है और आठ स्टैंजा की कौन सी लाइन मैच कर रही है आपस में, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स आपस में मैच कर रही हैं, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ ये स्टैंजा। तो बी एंड दी आर द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। अब एक और आपका स्टैंजा है, ग्लैड ऑफ ऑल डैश 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 नथिंग नो मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फिर देख लीजिए इसको। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स माने मौसम। स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में खुश रहते हो। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा ही बेस्ट लगते हो। मौसम कोई भी हो, समय कोई भी हो, हमेशा बेस्ट, सबसे सुंदर। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर जाते हो या नीचे आते हो। मोशन दाई रेस्ट, तुम्हारी गति ही तुम्हारा विश्राम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेट ऑफ फाउंटेन इन एवरी वेदर। प्रत्येक मौसम में फाउंटेन की स्थिति क्या है। तो द फाउंटेन इज हैप्पी इन एवरी वेदर। फवारा हर मौसम में हैप्पी है, ग्लैड, ग्लैड माने खुश। तो द फाउंटेन इज हैप्पी इन एवरी वेदर, हर मौसम में ये खुश है। इट ऑलवेज लुक्स इन इट्स बेस्ट फॉर्म, ये हमेशा अपने बेस्ट फॉर्म में नजर आता है, मतलब हमेशा बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द पोएट वांट
टू गिव अस इन द अबव स्टैंजा। इस स्टैंजा से कवि हमें कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? द पोएट वॉन्ट्स टू टीच अस दैट वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड डू आर बेस्ट इन ऑल द सिचुएशंस लाइक द फाउंटेन। कवि चाहते हैं कि हम ये सीखें कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए एंड डू आर बेस्ट इन ऑल द सिचुएशन, और हर परिस्थिति में अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए, सर्वोत्तम प्रदर्शन करना चाहिए लाइक द फाउंटेन, फाउंटेन की तरह, जिस तरह से फाउंटेन हर मौसम में और हर समय, मूनलाइट हो, स्टारलाइट हो, सनलाइट हो, हर समय हमेशा अपने बेस्ट फॉर्म में होता है, वैसे हमें भी जीवन के हर समय में, चाहे वो अच्छे दिन हो हमारे, बुरे दिन हो, हमेशा अपनी बेस्ट कोशिश करना चाहिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। तो बच्चों, ये तो आपके जितने स्टैंजा आपकी बुक में दिए थे मैंने आपको बता दिए, जवाब दिए। अब दो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं जो किसी भी स्टैंजा में और किसी भी पोएम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको आप अलग से भी सरल तरीके से भी याद कर सकती हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो आप सीधा भी उसको लिख सकती हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार वो दो क्वेश्चन करवा देती हूँ जो कि किसी भी पोएम के लिए और किसी भी स्टैंजा के लिए पूछे जा सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। तो द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन इज, अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको पोएम का नाम लिखना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोएम का नाम या टाइटल आप लिखेंगी वो कैसी होनी चाहिए, कैपिटल लेटर, जैसे द फाउंटेन का टी कैपिटल, फाउंटेन का एफ कैपिटल। फिर दूसरा, हु इज़ द पोएट, पोएट कभी कभी कंपोजर लिखा होता है और कभी कभी ऑथर भी लिख देते हैं। वैसे ऑथर का मतलब गद्य लेखक लिए होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में पोएट, कंपोजर, ऑथर कुछ भी आ सकता है, तो तीनों के में आपको उसके कवि का नाम ही लिखना है ऑफ द पोएम। तो द नेम ऑफ द पोएट इज, आप इसको रट लीजिए, या तो द नेम ऑफ द पोएट इज, फिर आपने कवि का नाम लिख दिया। जैसे मान लीजिए जेम्स रसेल लॉवेल है, तो जेम्स का जे, रसेल का आर और लॉवेल का एल कैपिटल होगा, ठीक है। तो राइट द नेम ऑफ द पोएट इन द कैपिटल लेटर्स। समझ में आ गया बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम खूब अच्छी तरह से आ गई होगी समझ में, और इस पोएम की आप 8 लाइन याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पोइट्री में, एक तो कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपको एक स्टैंजा दिया रहेगा और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, यानी 4 नंबर, और एक आपका क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल आइडिया लिखिए या अपनी सिलेबस की किसी पोएम की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप 4 की जगह 8 याद करिए, कभी कभी हो सकता है आपने जो 4 पंक्तियाँ आपने याद की वही आपकी परीक्षा में कॉम्प्रिहेंशन में पूछी जाए, तो आप फिर उसको नहीं लिख सकती हैं, उसे कॉपी करना मना होता है। तो आप 8 लाइन जो है याद करिए और हर पोएम की याद करिए, तो कोई ना कोई तो पोएम आपकी सिलेबस की ऐसी रहेगी जो आप उसमें लिख सकती हैं। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय।